नमस्कार साथियों, आप सभी को लोकल वोकल की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली का त्योहार हम सभी को घर की बनी गुजिया और चटकारेदार पापड़ों की याद दिलाने लगता है। कभी कदार तो इनकी बात करते ही मुंह में पानी आने लगता है। इन स्वादों में शामिल है सबसे खास और हमेशा की उम्र में पसंद की जाने वाली चुर्री। शायद नाम लेते ही आपको अपना बचपन याद आ गया होगा। अब आप अपने पापा की गोद में जाया करते थे और मार्केट में चुर्री की तरफ इशारा करके उन्हें अपने हाथों की उंगलियों में लगा लिया करते थे। हम उसी चुर्री की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आज आपको कि बाजार में आने वाली चुर्री बनती कैसे है, क्योंकि हम भी देखकर अचंभे में पड़ गए थे कि मात्र 5 मिनट में 50 किलो चुर्री को एक साथ बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं। चुर्री को बनाने के लिए सबसे पहले मैदे को एक मिक्सर मशीन में डाला जाता है। फिर उस मैदे में स्वाद अनुसार और मैदे की क्वांटिटी का ख्याल रखते हुए नमक को मिलाया जाता है। सुंदर दिखने के लिए खाने वाला कलर मिलाया जाता है, जिसकी मात्रा मात्र 5 ग्राम या 10 ग्राम रखी जाती है, वो भी मैदे के वजन के अनुसार। मशीन से जो बनते हैं, ये मैदे का पापड़ बनता है, जिसको कचरी के नाम से भी जानते हैं, चुर्री भी कहते हैं उसको। तो ये कई वैरायटियों में, डिजाइनों में बनता है, और मेनली इसको मैदे से बनाया जाता है। मैदे और फूड कलर में थोड़ा सा रंगीन करने के लिए मिलाया जाता है, और बाकी कोई इसमें ज्यादा और कोई अलग से चीज नहीं मिलाया जाता। इसके बाद मिक्सर में मैदे के मिक्सर में थोड़ा पानी मिलाते हुए अच्छी तरह मिला लिया जाता है। कुछ देर बाद जब मैदा अच्छी तरह सभी खाद्य सामग्री से अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो इसे चुर्री बनाने वाली मशीन में डाला जाता है। जैसे ही मशीन में मैदे के मिक्सर को डाला जाता है, तो उसके नीचे से डिजाइनदार चुर्री की बड़ी बड़ी लेयर बनकर निकलने लगती है, जो एक पट्टे पर चलते हुए आगे कटिंग को बढ़ती रहती है। बस कुछ समय बाद चंद मिनटों में आपकी मनपसंद चुर्री कटिंग होकर बिखरने लगती है। मैदा आता है, मैदे को जो है उसमें मिक्सर मशीन में हम डालते हैं, उसी में जो जितना नमक पड़ना है, जैसे 50 किलो में हम जो है 1.5 किलो नमक डालते हैं, वही खाने वाला नमक, और उसके बाद जो फूड कलर डालते हैं 10 ग्राम 20 ग्राम जो है एक 50 किलो के मिक्सर में 20 ग्राम जो है फूड कलर डालते हैं, उसके बाद फिर मशीन में चलाते हैं, मशीन में डाल के फिर वो ऊपर से डालते हैं। जैसे पहले सिमई बनाया जाता था, पुराने जमाने में बनाते थे सिमई, वैसे इसी तरह से मॉडिफाई करके ये मशीन बनाया गया है, जिसपे कचरी बनाया जाता है, जिसे इकट्ठा करके धूप में सुखाया जाता है और पैकेट बनाकर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। 50 किलो के माल में लगभग 10 मिनट या 15 मिनट लगेगा, सूखने में इसमें 2-3 घंटा लग जाता है, बाकी और बनाने में तो आधे घंटे 1.25 घंटे में बन जाता है। तो साथियों, देखा आपने मार्केट में बनने वाली चुर्री कितनी सफाई से बनाई जाती है। इसलिए अब अपने मन से उस वहम को निकाल दीजिए, जो हमेशा कहा जाता है कि बाजार में बिकने वाली चुर्री पता नहीं कैसे बनाई जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। नमस्कार। और हाँ, अगर आपने हमारे लोकल वोकल चैनल को डाउनलोड ना किया हो, तो अभी उठाइए अपना मोबाइल फोन और प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें लोकल वोकल ऐप। जी हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमें सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। राम राम।